हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल खाना पकाना। आज की हमारी बहुत ही स्पेशल और ख़ास वीडियो है जो आप लोगों के लिए बहुत ही काम आने वाला है। यहाँ पर मैंने घर पर ही बटर पेपर बनाई हो, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से, जो हमारे घर पर चीज़ होती है अवेलेबल वही चीज़ों से बनाए हुए हैं। आप इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मिस करिए कमेंट करिए, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। उसके लिए यहाँ पर हमने इस तरह का पेपर लिए है, जो मोस्ट ऑफ जेरोक्स पेपर होता है, या तो फिर आप ड्राइंग का पेपर ले लीजिए। ये मैंने ड्राइंग का जो बुक होती है उसका पेपर फाड़ कर ली हूँ। ये देखिए, जो वेस्ट होता है ना पेज, वो वाला है। इसे हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पर मैं एक ब्रश लूँगी, ये ब्रश की मदद से मैं इस पर लगाऊंगी। यहाँ पर हमें नॉर्मल जो कुकिंग ऑयल होता है बिना फ्लेवर वाला, वो लेना है। आपको दूसरा कोई ऑयल यूज़ नहीं करना है, जो फ्लेवर के होते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है। जैसा कि कोकोनट ऑयल हो गया, या तो फिर जो राई का तेल है वो नहीं यूज़ करना है। यहाँ पर हम यहाँ पर एक पेपर नीचे रखे हुए और ऊपर दूसरे पेपर पर लगा रहे हैं। यहाँ पर इसके कॉर्नर्स वगैरह को अच्छी तरह से लगा लीजिए। यहाँ एक साथ में दो पेपर हो जाएंगे अगर आप ऊपर एक और नीचे एक रखकर लगाते हो तो। यहाँ पर मैंने किचन का जो काउंटर है उसी पर ली हूँ, ताकि वो साफ करने में इजी रहता है ना, इसीलिए। अगर आपके पास प्लास्टिक शीट वगैरह कुछ है तो आप वो नीचे बिछा सकते हैं पहले। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ली हूँ। ये बहुत ही इजी पड़ता है घर पर बनाने के लिए। आप आपके चॉइस के हिसाब से छोटा या बड़ा कट कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक साइड से लगा लिए हमने, तो यहाँ पर हम मैं जो ये नीचे पेपर ली हूँ इसी के ऊपर रख दूंगी इसे। मतलब एक साथ में हम 2 से 3 बना सकते हैं एट अ टाइम। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसे रख दी अच्छे से। ये देखिए, यहाँ पर इसी के ऊपर हम ये दूसरा प्लेन वाला रख देते हैं। मतलब एक टाइम पर आप 2 से 3 बना सकते हैं ईजीली इसके ऊपर। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम इसे इसी तरह से रेस्ट पर रहने देते। ये देखिए, एक के ऊपर ही हमने यहाँ पर इसे हाथ से थोड़ा सा इस तरह से प्रेस कर लेंगे, तो एक टाइम पर 2 से 3 बन जाते हैं। ये जो मिडल वाला है, बीच वाला, ये देखिए, यहाँ पर हमने कम तेल में इतना परफेक्ट बना दिए हैं। और ये इसके ऊपर इसलिए रखे कि आप एक पेपर के ऊपर अगर ऑयल लगाते हो तो एक टाइम पर आपके 3 रेडी हो जाएंगे। इस तरह से थोड़ा से हमें ऑयल भी साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। कॉटन से आप वही ऑयल का डबल पेपर पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ना ही किचन काउंटर ज़्यादा ख़राब हुआ है, ना ही ज़्यादा ऑयल लगा है हमें। ये देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा रह गया है, लेकिन नीचे का ऊपर तेल पूरा अच्छी तरह से लग गया है। इसे हम और एक एक बार हाथ से इस तरह से कर लेते हैं। यहाँ पर आप कॉटन से साफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक पेपर ही नीचे ऊपर दोनों साइड रखकर इसे, ये देखिए कितना परफेक्टली हो गया है ना। ये देखिए, नीचे का भी रेडी हो गया। ये देखिए, यहाँ पर अभी हम ये तीनों रेडी हो गए हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम कॉटन का यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक नीचे सादा प्लेन वाला रख दिया, उसी के ऊपर ये तीनों रखी हूँ। और यहाँ पर अगर आपके पास टिश्यू पेपर है तो आप वो लीजिए। यहाँ पर मैंने ये कॉटन का रुमाल लियो, इससे हम साफ़ कर लेते हैं इसे, दोनों तरफ से इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। यहाँ पर हमें जो नॉर्मल कुकिंग ऑयल होता है जो हम डेली यूज़ में करते हैं, वो इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम इसे केक के ऊपर लगाते हैं ना, ताकि केक के ऊपर इसकी स्मेल ना आए। इसलिए हमें इस तरह से ही जो नॉर्मल बिना स्मेल वाला जो ऑयल होता है वो वाला लगाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना फटाफट और कितना झटपट अपना बटर पेपर रेडी हो गया है। ये देखिए कितना परफेक्ट बना है ना।
ये देखिए ना, ट्रांसपेरेंट दिख रहा है ना। इसी तरह से हम बाकी सब साफ कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये नॉर्मल एक पेपर लियो और एक है, और ये जो तीन बनाकर रखे हैं हमने, इसे एक के ऊपर एक रख देते हैं और इसे इस तरह से इसे हल्का से फोल्ड कर लेंगे हम। ये देखिए इस तरह से कुछ करेंगे, और ये पेपर को हम इसमें बीच में ऐसा फोल्ड करते हुए देखिए, ये खराब भी नहीं होगा, इसके अंदर कोई कचरा भी नहीं जाएगा, और ये आप कभी भी इसके अंदर से लेकर यूज कर सकते हैं। देखिए कितना परफेक्टली हो गया है ना। ये देखिए, आप इसे स्टोर कहीं पर भी रख सकते हो, कबट वगैरह में रख सकते हो, माली में रख सकते हो, परफेक्टली है ना। और जब चाहे तभी आप इसे ओपन करके यूज कर सकते हैं। मैं अक्सर इसी तरह से बनाकर स्टोर करती हूँ। ये देखिए कितना परफेक्टली है। यहाँ पर से अभी आप एक ले लीजिए और फिर इसका यूज कर लीजिए। ये देखिए कितना परफेक्टली हो गया ना। जितने चाहो जब चाहो आप वैसा लेकर यूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहो तो इसे मेजरमेंट के हिसाब से, आपके पास जो बर्तन है उसके हिसाब से आप कट करके रख सकते हैं, लेकिन हम एक ही साइज के हिसाब से नहीं बनाते ना, इसलिए यहाँ पर हम कट करके इसे नहीं रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, होममेड बटर पेपर रेडी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और कमेंट करिए। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू, बाय बाय।